हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डस्ट ऑफ स्नो के एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन आंसर और उसी के बीच से हम जानेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को। तो देखिए, यहाँ पर हम अपने पूरे चैप्टर्स को अच्छी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं और साथ ही साथ हमने सभी के क्वेश्चन आंसर को भी कंप्लीट कर लिया है। बट जैसे ही एग्ज़ाम्स आपके आने वाले हैं, बोर्ड एग्ज़ाम आप कंडक्ट करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर जानेंगे, सभी क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, सभी चैप्टर के कुछ एक्सट्रैक्ट भी हम यहाँ पर जानने वाले हैं और अपना रिवीजन हम अच्छे से करने वाले हैं। तो बोर्ड क्लासेस के लिए रिवीजन आपके लिए शुरू होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सभी के क्वेश्चन आंसर को। तो ये देखिए, आप स्टार्टिंग में देख पा रहे हैं कि जो हमारे हार्ड वर्ड हैं, जैसे कि हेमलॉक, डस्ट ऑफ स्नो, पार्ट, रूड, सेव सम पार्ट है ये। तो ये देखिए, यहाँ पर इनके हिंदी मीनिंग भी दिए गए हैं। सबसे पहले हम हेमलॉक की बात कर लेते हैं। ए पॉइजनस प्लांट विद स्मॉल व्हाइट फ्लावर, ये एक पॉइजनस यानी कि एक जहरीला पौधा होता है जिसके ऊपर व्हाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं। डस्ट ऑफ स्नो क्या है? फाइन पाउडरी स्नो फ्लैक्स, यानी कि बिल्कुल बारीक सा पाउडर जैसा स्नो है ये। सेव्ड सम पार्ट का मीनिंग है प्रीवेंट सम टाइम फ्रॉम बींग वेस्टेड, तो देखिए कुछ समय को बचा लेना वेस्ट किए बिना। रूड यानी कि रिग्रेट बिटरली, यानी कि बुरी तरह से व्यवहार करना कह सकते हैं हम। तो चलिए यहाँ पर जानते हैं हम क्वेश्चन आंसर को। तो देखिए, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत ही छोटी सी पोएम है और दो ही यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हैं। तो देखिए, फर्स्ट है द वे अ क्रो सोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। तो देखिए, यहाँ पर जो पोएट थे वो जा रहे थे, सुबह सुबह का समय था, उनका मूड काफ़ी अपसेट था, वो किसी बात को लेकर उदास थे और वो हेमलॉक ट्री को देखते उसके ऊपर एक क्रो बैठा रहता है। तो देखिए, यहाँ पर पोएट के द्वारा बताया गया है कि जो क्रो होता है और हेमलॉक ट्री होता है, दोनों ही नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। बट वो कहते हैं कि हम ऐसा सोचते हैं कि ये नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये नेचर से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं और ये हमारे मूड को एकदम फ्रेश कर देती हैं, और ऐसा ही पोएट के साथ होता है। तो देखिए, यहाँ पर होता क्या है वो हम पढ़ चुके हैं पोएम में, यहाँ पर जानते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सीजन ऑफ द ईयर डज द पोएट रेफर टू इन द अबव लाइन्स, जो ऊपर लाइन्स दी गई हैं उसमें हमें बताना है कि पोएट कौन से सीज़न के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, स्नो कौन से सीज़न में होता है, सिंपली आप पहचान पाओगे, विंटर सीज़न की बात करते हैं, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही होने वाला है। व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द अबव लाइन, अबव लाइन की राइमिंग स्कीम क्या है? तो देखिए, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, ए बी एंड ए बी। ठीक है, यहाँ पर हम हर रोज़ रिवीजन करने वाले हैं, ऑलमोस्ट हम वन वीक में एक वीडियो को कंप्लीट करेंगे और आपका रिवीजन आपके एग्ज़ाम्स तक बहुत अच्छा होने वाला है। चैप्टर को हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिया है, अब हम एक्सट्रैक्ट भी पढ़ेंगे, पोएम को पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में जानेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका मिस होने वाला नहीं है एग्ज़ाम में। और यहाँ पर हम ग्रामर के भी सभी टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। तो देखिए, यहाँ पर आगे कहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस अप्रोप्रिएटली, तो ये जो हमारा सेंटेंस है इसे हमें कंप्लीट करना है। कहा गया है, इट इज़ क्लियर दैट एसोनेंस इज़ द पोएटिक डिवाइस यूज फॉर सुक डाउन ऑन मी। तो यहाँ पर एसोनेंस पोएटिक डिवाइस यूज़ की गई है सुक डाउन ऑन मी, बिकॉज क्यों, एक्सप्लेन हाउ एसोनेंस अप्लाइज हेयर, हमें एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से यहाँ पर एसोनेंस अप्लाइज की गई है। तो देखिए, आप हर एक वर्ड में देख रहे हैं कि ओ साउंड, ओ की साउंड आ रही है, शुक डाउन ऑन। तो देखिए, यहाँ पर हर जगह ओ की साउंड आ रही है, इस तरह से यहाँ पर एसोनेंस पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया गया है। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन है, स्टेट वेदर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो देखिए, हमें बताना है कि ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। ठीक है, देखिए, इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टू नो अबाउट द पार्ट ऑफ द पोएट्स बॉडी द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन। तो देखिए, यहाँ पर बताना, पोएम को पढ़ के ये बताना बहुत मुश्किल हो जाता है कि पोएट जो है उसकी कौन सी बॉडी पार्ट पर स्नो गिरा था। तो देखिए, ये तो क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर नहीं है, यही हमें बताना है। तो देखिए, यहाँ पर बिल्कुल हमारे आंसर में आने वाला है ट्रू। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो जानते हैं, व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ द इंसिडेंट ऑन द पोएट, पोएट के ऊपर इस इंसिडेंट का क्या इफ़ेक्ट होता है। तो देखिए, हमने जैसे पोएम में पढ़ा था,
पहले पोएट का मूड जो है अपसेट होता है, बट जो स्नो जो गिरती है, डस्ट ऑफ स्नो गिरती है, उसके टच होने की वजह से जो पोएट है उसका माइंड एकदम रिफ्रेश हो जाता है और उसके दिन का जो बचा हुआ पार्ट था वो एकदम से अच्छा जाता है। नेक्स्ट इसी से हम रिलेटेड पढ़ेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो देखिए यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन शो हो रहे हैं। हाउ डिड द क्रो कम एंड सिट ऑन द ट्री, कैसे कौआ आता है और पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे ऑल ऑफ अ सडन अ क्रो केम फ्रॉम नावेयर, कहीं से भी कौआ आता है एंड सेट ऑन द हेमलॉक ट्री और वो ट्री के ऊपर बैठ जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट काइंड ऑफ ट्री इट वॉज, कौन सा ट्री था। ठीक है, सभी को पता है पॉइजनस ट्री था, हेमलॉक ट्री था। तो देखिए इट वॉज अ पॉइजनस ट्री नेम्ड हेमलॉक, वो एक पॉइजनस ट्री था और उसका नाम हेमलॉक ट्री था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है व्हाट वॉज द मूड ऑफ द पोएट, कैसा मूड था पोएट का। तो देखिए पोएट का मूड था अपसेट, द पोएट वॉज अपसेट, पोएट अपसेट थे। वेयर वॉज द पोएट सेटिंग, पोएट कहाँ पर बैठे हुए थे देखते हैं। द पोएट वॉज सिटिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है विच बॉडी पार्ट ऑफ द पोएट डज द डस्ट ऑफ स्नो फॉल ऑन। तो देखिए कौन से बॉडी पार्ट पर जो डस्ट ऑफ स्नो था वो गिरा था। तो देखिए तो क्लियर नहीं है, यहाँ पर भी यही दिया गया है डस्ट दिया गया है। द डस्ट ऑफ स्नो फॉल वेदर ऑन हिज हेड और शोल्डर, या तो हेड पर गिरा होगा या तो फिर शोल्डर पर गिरा होगा, इज अननोन, ये अननोन है एज देयर आर नो स्पेसिफिक मेंशन इन द पोएम, क्योंकि कोई स्पेसिफिक पार्ट नहीं दिया गया है पोएम के अंदर। नेक्स्ट हमारा जो एक्सट्रैक्ट हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। तो यहाँ पर देखिए पोएट क्या कहते हैं, यहाँ पर पोएट जो है कहना चाहते हैं कि मेरा जो दिन का हिस्सा था, बचा हुआ जो पार्ट था, वो सेव हो जाता है, वो बच जाता है स्नो डस्ट ऑफ स्नो के टच में आने से, हम लोग ट्री के नीचे जाने से। जानते हैं इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। द फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट, तो देखिए पूछा जा रहा है द फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट अपसेट हिज मूड, बर्फ के गिर जाने से, डस्ट ऑफ स्नो गिर जाने से अपसेट हो जाता है पोएट का मूड, या लिफ्टेड हिज मूड, उनका मूड जो है वो सही हो जाता है, इरीटेट, ये चीज़ उन्हें इरीटेट करती है, नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, उनका जो मूड है वो लिफ्ट हो जाता है। आगे है द रेस्ट ऑफ द डे वॉज सेव्ड बाई द, जो रेस्ट ऑफ द डे यानी कि बचा हुआ दिन है वो किसके द्वारा सेव कर लिया जाता है, हेमलॉक ट्री, क्रो, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी होने वाला है, तो वो जो है ट्री की वजह से और क्रो की वजह से, दोनों की वजह से बच जाता है। जनरली हेमलॉक ट्री एंड क्रो आर कंसीडर्ड टू बी, तो देखिए जनरली माना क्या जाता है हेमलॉक ट्री को और क्रो को क्या माना जाता है, तो देखिए अनस्पीसियस थिंग या स्पीसियस थिंग, गुड थिंग, स्वीट थिंग। तो देखिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही है, उन्हें अशुभ माना जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स विद वन वर्ड ओनली, एक शब्द भर के हमें इसको कंप्लीट करना है। अकॉर्डिंग टू द पोएट इवन थिंग्स कैन बी अ सोर्स ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि पोएट का कहने का मतलब है कि जो इन स्पीसियस थिंग्स होती हैं वो भी हमें कभी ना कभी कभी हमें जॉय और हैप्पीनेस प्रोवाइड करती हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट मैसेज डज द पोएट वांट टू कन्वे इन दिस एक्सट्रैक्ट, क्या मैसेज देना चाहते हैं पोएट इस एक्सट्रैक्ट के माध्यम से। तो देखिए यहाँ पर आंसर दिया गया है इन दिस एक्सट्रैक्ट द पोएट वांट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इन दिस एक्सट्रैक्ट द पोएट वांट्स टू कन्वे ए मैसेज दैट समटाइम्स द क्रिएचर कंसिडर्ड इन स्पीसियस कैन ब्रिंग जॉय फॉर समबडी। तो देखिए कुछ अशुभ चीज़ें जो मानी जाती हैं वो कभी ऐसा होता है कि इंसान के जीवन में वो खुशियाँ लेकर आती हैं। तो देखिए इसी एक्सट्रैक्ट से पढ़ते हैं हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। व्हाई डिड द पोएट्स मूड चेंज, क्यों पोएट का मूड चेंज हो गया था। तो देखिए यहाँ पर हम आंसर जानते हैं, यहीं पर दिया हुआ है आंसर, द साइट ऑफ द फॉलिंग ऑफ द फाइन डस्ट ऑफ स्नो चीयर्ड द मूड ऑफ द पोएट। तो देखिए जो फॉलिंग ऑफ स्नो का
सीन था वो पोएट के मूड को एकदम से बदल देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है हाउ डिड द पोएट फील इन द एंड, अंत में पोएट कैसा फील करते हैं। द पोएट फेल्ट हैप्पी इन द एंड, वो खुश हो जाते हैं पोएम के अंत में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाई डिड द पोएट रूट हिज डे अर्लियर, पहले मतलब जब दिन की शुरुआत होती है तो पोएट उस दिन के बारे में क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं वो। तो देखिए अर्लियर द पोएट फेल्ट डीपली सैड, पहले वो बहुत उदास होते हैं, दैट द होल डे हैड बीन वेस्टेड, और सोचते हैं कि उनका पूरा दिन जो है वो ख़राब जाने वाला है। व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज दैट ही हैड सेव सम पार्ट ऑफ द डे। तो देखिए व्हाट डज द पोएट मीन, क्या मतलब है पोएट का ये कहने से, जब वो ये कहते हैं कि उनका दिन का जो आगे बचा हुआ हिस्सा था वो बच गया है। द पोएट हैड सेव सम पार्ट ऑफ द डे एज ही डिड नॉट वेस्ट द टाइम इन रिपेंटिंग एंड रिग्रेटिंग, मतलब पछतावे में वो पूरा दिन नहीं गुजारते हैं, उदासी में वो पूरा दिन नहीं गुजारते हैं। तो इस तरह से वो कहते हैं कि उनका पूरा दिन जो है बच गया है, आगे जो बचा हुआ पार्ट था वो सेव हो गया है। व्हाई डू यू थिंक द पास्ट हैज़ यूज्ड हेमलॉक ट्री, पोएट हैज़ यूज्ड हेमलॉक ट्री द क्रो इन द पोएम। तो देखिए आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि पोएट ने यूज़ किया है हेमलॉक ट्री को और क्रो को पोएम के अंदर, इन्हीं को क्यों यूज़ किया है, देखते हैं। जनरली हेमलॉक ट्री एंड क्रो आर रिगार्डेड एज इनस्पीसियस थिंग, वो अशुभ चीज़ें मानी जाती हैं दोनों ही। कैन ब्रिंग जॉय एंड हैप्पीनेस टू अस, वो कहते हैं कि लेकिन ये चीज़ें अशुभ होने के बावजूद भी हमारे जीवन में खुशियाँ ला सकती हैं, जॉय से हमारे जीवन को भर सकती हैं। तो देखिए इस तरह से हमने सभी क्वेश्चंस इसके कंप्लीट कर लिए हैं, MCQs कंप्लीट कर लिए हैं। डस्ट ऑफ स्नो हमारी छोटी सी पोएम थी, आगे इसकी जो सेकंड पार्ट में पोएम है वो भी काफ़ी छोटी सी है, आने वाली वीडियो में हम उसको भी कंप्लीट करेंगे और इसी तरह से हम लास्ट तक रिवीजन करेंगे और एग्ज़ाम आने तक हम पूरी तरह से कम्प्लीटली इनको पढ़ चुके होंगे सभी चैप्टर्स को। यहाँ पर हम SST के भी कुछ पोर्शन को पढ़ते हैं, ऑलमोस्ट सभी चैप्टर हम पढ़ते हैं, पूरा डिटेल में उनके क्वेश्चन आंसर को हम जानते हैं। वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो एक लाइक ज़रूर किया करें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।